बोलो सनातन धर्म की जय। श्री राम कृष्ण भगवान की जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जगदम्बे मैया की जय। सद्गुरु तेउ राम महाराज की जय। सद्गुरु सर्वानंद महाराज की जय। सद्गुरु शांति प्रकाश महाराज की जय। सद्गुरु हरिदास राम महाराज की जय। सर्व संतन की जय। प्रेम प्रकाश मंडल की जय। अमरापुर दरबार की जय। देखो दरवेशन के दुखाई दो। भजन सतवंजा जेको दरवेशन के दुखाइंदो दिक्का दर दर सोई खाइंदो। ठीक भैरवी राग के इस भजन में उन बेमुख मनमुख जो संत महापुरुषों को दुख देते हैं, सज्जन पुरुषों को दुख देते हैं, उनकी क्या दशा होती है। गुरु महाराज जी बता रहे हैं कि जो उनको सताता है
वो दर दर धक्के खाता है, अर्थात दुखी होता है। जेको वेर विझे तो फकीरन सा, जम जकड़े तंहिंखे जंजीरन सा। जो फकीरों संतों के साथ वैर करता है, दुश्मनी करता है, वो जमपुर में बांधा जाता है जंजीरों से, अनंत दुखों को प्राप्त करता है। सो मरंदो कष्टन पीड़न सा, उसकी मृत्यु भी बहुत कष्टदायी होती है। वहीं नरकन में दुख पाएंगे और मृत्यु के पश्चात नरक आदि लोक में जाकर अनंत दुखों की उसको प्राप्ति होती है। जेको दरवेशन के झोरींदो सो बेड़ो पहंजो बोड़ींदो। जो संत दरवेशों को दुखाएगा, उन्हें परेशान करेगा, वो अपना खुद का अहित करता है, उसका बेड़ा नैया संसार सागर में डूब जाती है, वो पार नहीं पहुंचता। कयो पाप कर्म जो लोड़ींदो, जो उसने पाप कर्म किया है उसका फल उसे निश्चित मिलेगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, ये शास्त्र का वचन है कि जैसा जैसा हम कर्म करेंगे वैसा फल हमें अवश्य भोगना पड़ेगा। ऐ आखिर में पछताइंदो, अंत में जब उसे दुख प्राप्त होंगे तो वो बहुत पछताएगा। पर फिर पछताए क्या होता है, जब चिड़िया चुग गई खेत, उसके बाद पछताने का कोई लाभ नहीं। जेको वेर विझे वासिंगन सा, कहे टेऊं मरे सो नांगन सा। वासिंग एक प्रजाति है नाग की, जो उनसे वैर दुश्मनी करता है वो सर्प के डंश के द्वारा मृत्यु को प्राप्त होता है। तीन द्वेष रखे जो संतन सा, इसी प्रकार से जो सज्जन पुरुषों से द्वेष रखता है सो पहंजो वंश विजाइंदो, उसका वंश समूल नष्ट हो जाता है। तो गुरु महाराज जी कह रहे हैं कि जो संत महापुरुष सज्जन उनको दुख देने वाले हैं, उन्हें खुद स्वयं परिणाम में अनंत दुखों की प्राप्ति। अमरापुर बाणी पढ़ तुम प्रेमी प्रेम सा, पाए सुमत संतोष है खिमिया जी खाणी। भर लजह में भाव जी रसवा रूहानी, वचन हंडाए पाए पद पूरण निर्वाणी। अंग संग थे साणी हर हंद तो सा सतगुरु, महिमा बेअंत सतगुर टेऊं राम जी, महिमा आबे अंत ठायो जग कल्याण लय प्रेम प्रकाशी पंथ। अनभय बाणी सारचो प्रेम प्रकाशी ग्रंथ, पाए सघे न पार को महिमा आहे अनंत। भगतन लय भगवंत आयो मान स्वरूप में, सतगुर टेऊं राम के है उपकार अनंत। दिया मोलक जगत को श्री प्रेम प्रकाशी ग्रंथ, डूबत जीव अपार है भवसिंधु है बेअंत। सेतु बनाया ताहे पर
प्रेम प्रकाशी ग्रंथ सदवारी जाऊं सदा वारी पर बलहार जिस वारी पर बैठ के ग्रंथ रचा सुखकार वारी मरथल जानिए वाणी अमृत धार वारी पर वाणी बनी ग्रंथ हुआ साकार सागर मंथन से मिला अमृत घट सुखराश उर मंथन से प्रगटिया ग्रंथ प्रेम प्रकाश अंध तमस का दीप लौ जो करती है नाश अंतरतम में दीप सम वाणी करे प्रकाश पंथ आपका अमर है और अमर है धाम ग्रंथ आपका अमर है धन गुरु टेऊ राम अमरापुर वाणी दो ब्रह्म दर्शनी जान कविता छंद दोहावली पांच रतन प्रधान पांच रतन मिलकर बना ग्रंथ प्रेम प्रकाश पठन मनन से होता है पंच कलेश विनाश सतनाम साकी प्रेम प्रकाश ग्रंथ की अमृतमयी महिमामयी आनंदमयी करुणा वर्षणी ब्रह्म अमृत वर्षणी अंतरदृष्टि उन्मेषणी सर्वव्याधि विनाशिनी भवपाश विमोचनी कल्याणकारी ये वाणी है प्रेम प्रकाश ग्रंथ में सिंधी अमरापुर वाणी हिंदी अमरापुर वाणी भजन ब्रह्म दर्शनी कवितावली छंदावली और दुआवली ये पांच रत्न है और इनका अनुवाद सरल अर्थ भाव अर्थ इस श्रृंखला में किया जा रहा है तो प्रेमी गण उस वाणी का अर्थ समझकर वास्तविक सुख और आनंद की प्राप्ति करें अनंत अद्भुत रहस्य से भरी हुई गुरु महाराज जी की वाणी है कहीं पे सरल है तो कहीं पे उलट बासियां रहस्यमयी वचन इस वाणी में भरे हुए हैं तो उनका भावार्थ इस श्रृंखला के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है पढ़ के समझ के मनन करके उनका लाभ प्राप्त करके अपने जीवन को हम सफल बनाएं।